पहाड़ी लाई है थोड़ी देर पहले बियानी है और पहाड़ी को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहली बार बियाई है तो अबे ये क्यों नहीं जा रही भाई। अबे शाले क्या कर रहे है तो आठ भैंसू बियानी है माँ। तो वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कैन कॉलर जावंत्री। और बात करने जा रहे हैं तो आज हमारी वधाई ने बच्ची को जन्म दिया है क्योंकि सात भैंस भी आनी थी उसमें सातों ने पाड़े को जन्म दिया, उसमें से मैंने तीन तो बेच दिए और आठवीं भैंस अभी इसने एक बच्ची को जन्म दिया है बस। और एक भैंस बच्ची को जन्म दिया था वो मैंने बेच दी थी लेकिन हमारे यहाँ नहीं, वहाँ पर जाकर गाभिन थी तभी मैंने बेचा था। और हमारे यहाँ फर्स्ट जो रूप वाली है उसने ही पाड़ी को इसको जन्म दिया है तो हम आज बहुत खुश हैं। मिठाई पेड़े बांट नहीं सकते क्योंकि मेरे घर बच्ची का जन्म नहीं हुआ है, पाड़ी का जन्म हुआ है। तो इसका पूरा वीडियो भी आ गया, आप देख लेना ऊपर जाके। मुझे तो लग रहा था कि ये हेज वगैरह करेगी नहीं लेकिन अच्छा है कि स्वाद हेज करती है और अपनी बच्ची को भी दूध पिलाने में सक्षम है। बस बस ज़्यादा नहीं निकाला है लेकिन अच्छा है, इतना भी है इतना। मारेगी क्या? नहीं मारेगी नहीं, ये आठ चर तो कंप्लीट। अब भाई किधर जा रही है भाई राजा? ये हमारी बुबली है, 12 मंथ की जब होगी तब आपको बताएंगे। पैर बैर चारों कंप्लीट हैं और आठ साठ से नोट गिनने में काम आएगा। सुन ले दे फोन फोन तो था और वाह बन गए बुढ़ा फोन नदी के रख दे तुम हो गए पानी तेरे विचार कर आने हाल अजी पाड़ी ने जन्म दी दो हाल ने ता तो जू चढ़ी गई। विचार करो जूई पड़ गई माथे में, किधर गई बे? अब यहाँ नहीं पड़ी है सियाने। हाँ यार दावा में मोरवन से पड़ी यहाँ उभी रहने का तापोड़ा भारे कर रहा था सी एम में। चलो पापे को अब फोन ला कर देंगे अब की बार पापा सर का। हेलो बाबा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऐसा तूने तेरी जमार में अब तक किया नहीं तो तू करना भी मत। आप वैल्यू बड़ी तो हानि नहीं खाए। अरे नहीं लेगा नहीं तो कहीं वादे आधा खाली जीने के लिए खेत में पाड़ी छिन। अबे साला पाड़ी है क्या कर रहा है क्या कर रहा है जो अधिकारी नाबालिग अब इसको दाना हो तो जाएगी वरना किधर नहीं जाएगी क्योंकि बाढ़ में से अबे गिर गई गिर गई। अबे रुक जा रुक जा भाई दे दे पहुंच लो बाकी ने बाड़ी करना है हमने हमने। चलो ये अगले पैर में झूड़ दिया था, थोड़े दिन के बाद हम पिछले पैर में इसका पैर बांधेंगे और क्या बोलते हैं कि इस दूध नहीं होता खीरा होता है, खीरा इससे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है क्योंकि ये बच्ची को तीन चार दिन लगातार ये दूध देने से आप 12 महीने में मानो कि 12 महीने आप जितने दूध पिलाओगे उससे ज़्यादा ये एक दिन में दूध बहुत वर्क करता है। और ये देखिएगा आपने ज़्यादातर देखा होगा कि एक महीने के अंदर अंदर जो बच्चा दूध पीता है ना भरपूर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और अपना शरीर भी बना लेता है और मानते हो उसकी फिटनेस बहुत ज़्यादा होती है। और आप देखोगे एक बच्चा जिसको दूध नहीं पिलाया होगा और फिर बाद में दूध स्टार्ट किया होगा क्योंकि बाद में जो दूध आता है वो डेली बनता है और ये 12 महीने में या 9 महीने 10 महीने पेट में रहता है तभी बनता है उसको, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें मार डालेगी क्या BHD की? तो ये दूध आप ज़्यादा पिलाए निकाल ना ले क्योंकि ये दूध निकालने से बड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, यानी कि मावा क्या बोलते हैं आपकी भाषा में जो बड़ी बनती है खिलाने से। और इसका ये दूध पीने से आँखों में बहुत तेज आता है, आँख जीत का मोतिया होता है या नंबर होता है इससे ये दूध पीने से कट जाता है, इसको खीरा दूध बोलते हैं, खीरा दूध। इनका मोतिया ठीक हो गया। अबे क्या कर रहे थे
ये पाड़ी की धाने की कोशिश कर रही, लेकिन ये दूध मानो या ना मानो आपकी भैंस दिया है या फिर लाए तो आप ये दूध निकालना ले। पाड़े को भरपूर पिलाए जितना उसका पेट में, इससे कुछ नहीं होता। ये दूध जितना भी पिएगा उससे ही बच्चे का फिटनेस बहुत अच्छा बनेगा। और खड़ी बात है नौजवान बराबर को। चलो ये बच्ची को दूध पिला, और भैंस नहीं पिला रही तो फिर से इसको बांध देते हैं और फिर बच्ची को थोड़ा थोड़ा सा दूध पिलाएंगे हमारे बच्चे को। तो ये भी हमारा बच्चा ही है, इसको बेचने का था लेकिन अब बेचेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारे यहाँ 7 भैंसे में 7 पाड़े हैं और ये की पाड़ी आई है। तो हम इसको रखेंगे और इसकी पाड़ी बनाएंगे और भी नहीं बेचेंगे, अगले साल भी नहीं बेचेंगे। कब बेचेंगे? जब इसका एक पेटी आ जाएगा, पूरा एक पेटी आएगा तब इसको हम बेचेंगे। और अभी इसकी बोली 82 लग चुकी है लेकिन अब नॉट फॉर सेल है तो हम बेचेंगे नहीं। चलो अब तो बच्ची को शांति से पिला रही है दूध, ऐसा आस पास नहीं करते। पहली बार पहला इलेक्शन भी आई है तो आगे पीछे तो होगी। क्यों? इसका कारण है कि गलगली होती है, गलगली। चलो तो फिर खीरा दूध की बात, खीर दूध मैं आपको दिखाता हूँ खीरा दूध कैसा होता है। चल 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 गाड़ी निकल। ये आप बोलते हैं कि दूध जैसा दूध होता है कि नहीं होता है, तो मैं आपको दिखाऊँ ये दूध जैसा दूध नहीं होता है। खीरा दूध बहुत ज़्यादा कैल्शियम, SNF, फैट सब कुछ इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मानो कि ये देखो अब देखना, छोड़ दे बच्ची को नहीं पिलाएगी। ये दूध है देखो, दूध नहीं है, खीरा दूध है, खीरा। इस पे ऐसे ये खीरा दूध है, ज्यादा बहुत गाढ़ा होता है इसका SNF मानो तो 20 से। ये बहुत गाढ़ा दूध होता है देखो, और उसका SNF होता है कम से कम 20 या 25 SNF होगा, क्योंकि बहुत गाढ़ा दूध होता है। और हम कभी कभी हमने भी बहुत ट्राई किए हैं दूध भराने का, क्योंकि हम ज़्यादातर इसका 2 लीटर दूध होता है ना, और नॉर्मल फैट दूध का SNF आता है 90, 90 या 92, 95, 97 जितना आता है। तो इस दूध का SNF कम से कम 20 या 25 या 13 होगा, क्योंकि ये दूध 1 लीटर जितना, 1 लीटर दूध यानी 1 या 2 लीटर दूध होगा, और 2 लीटर दूध आप 20 लीटर के अंदर डालोगे तो उसका भी SNF 10 आएगा, 10.5 आएगा, 11 आएगा या ज़्यादा आ सकता है। और मिनिमम क्षमता नॉर्मल मिल्क की होती है वो 95 की होती है, और ये मेरे ख्याल से 25 जितना होगा। और ये दूध बहुत गाढ़ा होता है, बच्चे को पोषक तत्व तो इससे ज़्यादा मिलते हैं। तो आप भूल ना करें, आपकी भैंस या ब्याह तो उसको बच्चे को भरपूर दूध पिलाएं। और ये हमारा बुरा है, इसको कैल्शियम की कमी है। क्यों? क्योंकि इसको मिला नहीं है कि इसको अंगूठिया रोग लग गया भाई, जो होता है ना आपको पता ना। अब सारा क्या करा रहा है, दूध लूटेगा क्या? और इसको दूसरी भी प्रॉब्लम होगी, एक जो होता है इसके शरीर के अंदर, इधर दिखा। अबे भाई क्या कर रहा है भाई, ये देखो इसको ये कीड़े खा गए, कीड़े ज्यादातर। और फिर मैंने इसको कीड़े खाने की वजह से, ओ भाई इसको बांध दो, भैंस ने भाई जा ये कीड़े खाने, कीड़े यानी कि जुए, चीचल आता है, छोटे छोटे जुए आते हैं, वो जब इसको पड़ गए तो शरीर में जानो के हजारों लाखों थे। फिर मैंने इसको 2 नंबर ऑटोमेटिक लगाया तो आज सब मर गए। आज से 7-8 दिन पहले ऑटोमेटिक लगाया था, 2 नंबर ही देना ऑटोमेटिक। आप अगर मेडिकल से लाओ, जुए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जू हो, कीचड़ हो या कोई भी हो, तो 2 नंबर ऑटोमेटिक बच्चे को लगा दो। भैंस हो तो उसको 3 से 4 नंबर देना पड़ता है, जिससे उसके शरीर के अंदर जो जीवाणु होते हैं थोड़े थोड़े से ऊपर रहते हैं, वो देखो सब गिर जाएंगे। और गिर जाने के बाद इसकी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसको हमें रखने का विचार क्या है, सांड रखने का, लेकिन अगर ये ठंडियों में बच गया तो एक ही है और एक पूंछ का आया बच्चा, बहुत बढ़िया मजा ले रहा है भाई। ये देखो ये दूध वाला आज था, वो कैल्शियम वाला दूध, ज़्यादा कैल्शियम होता है इसके अंदर, और पीने से आँख के नंबर भी चले जाते हैं। तो आप जरूर ट्राई करना। जय डोड़ा जय ठाकर। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे, वीडियो को लाइक करना ना बोले। जय डोड़ा जय ठाकर।